गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हमने कल उ की मात्रा कर ली थी, अब आज हम छोटी उ की मात्रा के साथ कुछ शब्द करेंगे, ठीक है? तो हमारे पास प्रश्न क्या है, दिए गए शब्दों में उ की मात्रा लगाकर पुनः लिखो, यानी जो हमारे को शब्द दे रखे हैं उसमें हमें क्या लगाना है, उ की मात्रा को ऐड करना है और फिर हम यहाँ लिखेंगे। जैसे कि त ला तला, तो तला की जगह हम जब त पे उ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तुला तुला तुला। वैसे ही मनी, तो न पे तो ऑलरेडी ई की मात्रा है तो हम ऊ की मात्रा क्या लगाएंगे, म पे। तो म पे ऊ की मात्रा लगाओ मू, और न पे छोटी ई की मात्रा नी, तो मुनी। वैसे दलारी दलारी, तो कहाँ लगेगी ऊ की मात्रा, द पे। तो द पे ऊ की मात्रा दू, ला री दुलारी। जामन, तो जामनू तो होगा नहीं ना, जा पे आ की मात्रा है और म पे ऊ की मात्रा हम लगाएंगे, तो जा, म पे छोटे ऊ की मात्रा मुँह, और न जामुन। वैसे क छ आ, कछुआ नहीं होता, क्या होता है, कछुआ। तो क छू आ, कछुआ। वैसे क्या है ये, बलबल, तो हम दो जगह ऊ की मात्रा लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, बुलबुल। बुलबुल एक बर्ड का नाम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बुलबुल। ब पे ऊ की मात्रा बू, ल फिर वापस बू, ल बुलबुल। ससराल, ससुराल नहीं होता, क्या होता है, ससुराल। तो स और फिर सु, तो स पे सु की मात्रा सु, ससु रा ल ससुराल। वैसे यहाँ देखो पजारी, पजारी नहीं होता, क्या होता है, पुजारी। तो प पे ऊ की मात्रा लगा देंगे पू जा री पुजारी। तो आपने देखा इतने सारे वर्ड्स पे हमने क्या लगाई, सब पे ऊ की मात्रा, तो ये क्या बनेगा, तुला मुनी दुलारी जामुन कछुआ बुलबुल ससुराल और पुजारी, ठीक है? तो ये जो होमवर्क है ये आपको अपनी कॉपी में करना है, आपको बहुत सारे वर्ड्स रीड करने हैं ऊ की मात्रा के साथ, जिससे आपको अच्छे से रीडिंग आ जाए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।